राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के 50 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थानों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से प्रमुख 7 मंदिर मथुरा के होंगे, 15 मंदिर वृंदावन के होंगे, 5 मंदिर गोकुल के होंगे, 6 मंदिर बरसाना के होंगे, 6 मंदिर नंदगांव के होंगे और 11 मंदिर गोवर्धन के शामिल होंगे। और इन सभी मंदिरों के टाइमिंग के बारे में भी बताऊंगा, खुलने का क्या समय है, बंद होने का क्या समय है, कौन सा मंदिर किस मंदिर से कितनी दूरी पर है। एक बात और दोस्तों, जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके मथुरा के इन 50 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कण कण में बसे हुए हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से मथुरा के उन 50 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानेंगे, जहां पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी शुरुआत मथुरा से करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा के 7 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि। यह मंदिर मथुरा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना सख्त मना है। यह मंदिर मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। मथुरा का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर राजस्थानी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने में अत्यंत खूबसूरत है। मथुरा का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है दाऊजी महाराज मंदिर। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। यह मंदिर भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के टाइम पर यह मंदिर बंद रहता है बीच में 3-4 घंटों के लिए। मथुरा में लगभग सभी मंदिर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं। मथुरा का चौथा प्रसिद्ध स्थान है विश्राम घाट। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद यहीं पर विश्राम किया था, इसीलिए दोस्तों इस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ा। यहाँ की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ या स्त्रियाँ स्नान करती हैं उनके भाइयों की उम्र लंबी हो जाती है। विश्राम घाट पर आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर पर व्यक्ति 100 रुपये चार्ज लेते हैं बोटिंग का। बोटिंग के दौरान आप यहाँ पर अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। मथुरा का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है कंस का किला। दोस्तों, ये किला अब टूटकर खंडर बन चुका है, लेकिन आपको किले के ऊपर से बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस किले से आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। जिन्हें फ़ोटो शूट करने का शौक़ है उन लोगों के लिए जगह बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पर आप किसी भी समय आ सकते हैं, 24 घंटे ये किला खुला रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट कोई भी चार्ज नहीं है। यह किला द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर और विश्राम घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा का छठा प्रसिद्ध मंदिर है बिरला मंदिर। यह मंदिर मथुरा में भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इस मंदिर को बिरला मंदिर कहते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बंद रहता है। इस मंदिर परिसर में एक गीता स्तंभ भी है, जिसके ऊपर पूरी भागवत गीता लिखी हुई है। मथुरा का 7वां सबसे प्रसिद्ध स्थान है पागल बाबा मंदिर। यह मंदिर मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है और बिरला मंदिर से यह मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर को श्री पागल बाबा मंदिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है,
इस मंदिर के ऊपर दोस्तों मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आ जाते हैं वृंदावन। वृंदावन दोस्तों वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रासलीला रचाते थे, रासलीला करते थे। वृंदावन में मंदिरों के खुलने और बंद होने के समय की बात करें तो वृंदावन में प्रतिदिन मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और दोपहर को 12 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात्रि को 8-8:30 बजे बंद हो जाते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है इस्कॉन मंदिर। इस मंदिर को अंग्रेज़ों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आपको फॉरेनर ज़्यादा दिखाई देंगे। यह मंदिर मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के पास में ही यह मंदिर बना हुआ है। वृंदावन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यह पूरा मंदिर वाइट संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। जितना यह मंदिर दिन में खूबसूरत लगता है उससे कई गुना रात को खूबसूरत लगता है। रात के समय इवनिंग में यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस पूरे मंदिर परिसर में आपको भगवान श्री कृष्ण और राम जी की लीलाओं से जुड़े चित्रण देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाए गए हैं। वृंदावन का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है माता वैष्णो देवी धाम। यह मंदिर प्रेम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर परिसर में एक गुफा भी है, उस गुफा की संरचना बिल्कुल माता वैष्णो देवी धाम कटरा जैसी कर रखी है। उस गुफा में जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में जम्मू कटरा में आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। रियली दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर है, आप कभी वृंदावन आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। वृंदावन का चौथा मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिर है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। वृंदावन में जो भी यात्री भक्त आता है श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बिना नहीं जाता है, उनके दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। वृंदावन का पांचवा प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। यह मंदिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ पर राधा रानी कृष्ण में और भगवान श्री कृष्ण जी राधा में हैं। यह मंदिर भी वृंदावन के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आया हर भक्त भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति में मग्न हो जाता है। वृंदावन का छठा प्रसिद्ध मंदिर है मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर और श्री राधा वल्लभ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन का सातवां प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है चीरघाट। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण किया करते थे। आज भी वह कदम का पेड़ यहाँ पर मौजूद है जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण किया करते थे। ये देखिए सामने, ये वही कदम का पेड़ है दोस्तों। यह स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन का आठवां प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है निधिवन। कहा जाता है कि रात में 12 बजे के बाद निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग यहाँ पर गोपियों के साथ रासलीला रचाने आते हैं। निधिवन में लगे सभी तुलसी के पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह होने पर फिर से सभी गोपियाँ तुलसी के पेड़ बन जाती हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर से निधिवन की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। वृंदावन का नौवां प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है केसी घाट। केसी घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए केसी नाम का दानव यहाँ पर आया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ही केसी दानव का यहाँ पर वध कर दिया था, इसीलिए दोस्तों इस जगह का नाम केसी घाट पड़ा। इस घाट के किनारे कई प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग का पर व्यक्ति 100 रुपये चार्ज है। वृंदावन का दसवां प्रसिद्ध मंदिर है
रंगजी मंदिर। रंगजी मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह पूरा मंदिर तमिल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप साउथ के रंगजी मंदिर में आए हुए हैं। इस मंदिर की पूरी बनावट साउथ इंडियन स्टाइल में की गई है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जिन्हें यहाँ पर रंगजी रंगनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में सोने के कई सारे वाहन हैं और एक सोने का खंभा भी है, इसलिए इस मंदिर को सोने का खंभा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन का 11वां प्रसिद्ध स्थान है श्री गोविंद देव मंदिर। श्री गोविंद देव जी मंदिर रंगजी मंदिर के सामने ही बना हुआ है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखने में अत्यंत खूबसूरत है। वृंदावन का 12वां प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है कांच वाला मंदिर। यह मंदिर श्री रंगजी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर बनी सभी मूर्तियाँ कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई हैं, इसलिए दोस्तों इस मंदिर को कांच वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। बहुत ही खूबसूरत कलाकारी इस मंदिर में की गई है, जो देखने में अत्यंत खूबसूरत है। वृंदावन का 13वां प्रसिद्ध स्थान है जयपुर मंदिर। यह मंदिर अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी देखने में अत्यंत खूबसूरत है। यह जयपुर मंदिर पूरी तरह से राजस्थानी शैली में बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर को राजस्थानी मंदिर भी कहा जाता है। कांच मंदिर के बिल्कुल पास में ही यह मंदिर बना हुआ है। अटल्ला चुंगी चौक से इस मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण जी हैं। वृंदावन का 14वां प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन बालाजी मंदिर। यह मंदिर कांच मंदिर से लगभग 300 मीटर और अटल्ला चुंगी चौक से 100 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर हनुमान जी और उनके पांचों भाइयों को समर्पित है। पूरी दुनिया का यह पहला मंदिर है जहां पर आप हनुमान जी के पांचों भाइयों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में एक हनुमान चालीसा स्तंभ भी है, जिसके ऊपर पूरी हनुमान चालीसा लिखी गई है। वृंदावन का 15वां प्रसिद्ध मंदिर है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज मंदिर, जो कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। रात में इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि रात में यह मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। यह मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर और माता वैष्णो देवी धाम मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों गोकुल। अब हम जानेंगे गोकुल के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। गोकुल दोस्तों वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ, जहां पर उनके बचपन के 11 साल बीते। गोकुल का पहला प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है रमण रेती आश्रम। रमण रेती आश्रम गोकुल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है, जहां पर हर दिन हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस आश्रम पर पड़ी रेत पवित्र रेत मानी जाती है। यहां पर आए श्रद्धालु इस रेत में खेलते हैं, लौटते हैं, अपने शरीरों पर इस रेत को लगाते हैं। कहते हैं कि इस रेत को अपने शरीर पर लगाने से आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। बचपन में भगवान श्री कृष्ण इस रेत पर चले थे, इस रेत में खेला करते थे, इसलिए दोस्तों इस रेत को पवित्र माना जाता है। कुछ श्रद्धालु इस रेत को अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। इस आश्रम में आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंगें देखने को मिलेंगी। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण रमण बिहारी जी का मंदिर भी है, जो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुलता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुलता है। यह मंदिर गोकुल के प्रसिद्ध नंद भवन 84 खंबा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोकुल का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है नंद भवन,
जो कि 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर ही नंद बाबा माता यशोदा जी के साथ रहते थे। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को यमुना नदी पार करके इसी भवन में छोड़ गए थे और अपने साथ योग माया को ले गए थे। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। आप 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में कभी भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। गोकुल का तीसरा प्रसिद्ध स्थान है ब्रह्मांड घाट। यह वह जगह है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तीनों लोकों के दर्शन कराए थे, इसीलिए इस जगह को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मांड बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है जो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे तक खुला रहता है। दर्शन करने के साथ ही साथ आप यहाँ पर यमुना नदी में बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। गोकुल के प्रसिद्ध 84 खंबा मंदिर से ब्रह्मांड घाट की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। गोकुल का चौथा प्रसिद्ध स्थान है चिंताहरण महादेव मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मांड घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है दोस्तों। कहा जाता है कि यहां पर शिवलिंग पर यमुना नदी का एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी सभी चिंताएं भगवान शिव जी हर लेते हैं। यमुना नदी के किनारे ही ये मंदिर बना हुआ है। यहीं पर ही माता यशोदा की सभी चिंताएं भगवान शिव जी ने दर्शन देकर उनकी हर ली थी, इसलिए दोस्तों ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आया हर भक्त यमुना नदी का एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाता है। आप भी आएँ तो आप भी जरूर चढ़ाएँ, आपकी भी सभी चिंताएं महादेव जरूर हर लेंगे। गोकुल का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है दाऊजी बलदेव मंदिर। यह मंदिर चिंताहरण मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और गोकुल के प्रसिद्ध नंद भवन 84 खंबा मंदिर से बलदेव दाऊजी मंदिर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। गोकुल यात्रा पर आने वाला श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों बरसाना के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बरसाना दोस्तों राधा रानी जी का घर है, गांव है, जहां पर राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनका पालन पोषण हुआ, उनका जीवन बीता। बरसाना का पहला सबसे प्रसिद्ध मंदिर है राधा रानी मंदिर, जो बरसाना की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह मंदिर मुख्यतः रूप से राधा रानी जी को समर्पित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे दोबारा खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन हर समय आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। बरसाना का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है कीर्ति मंदिर। ये मंदिर राधा रानी जी की माता कीर्ति जी को समर्पित है। यह मंदिर बरसाना के खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की अद्भुत बनावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद दोबारा शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। राधा रानी लाडली जी मंदिर से इस मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। इस मंदिर परिसर के अंदर आपको चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। बरसाना का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा रानी के दादी बाबा का मंदिर। यह मंदिर राधा रानी लाडली जी मंदिर के पास में ही है, तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर। इस मंदिर में आप राधा रानी के दादी बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं।
बरसाना का चौथा प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है श्री राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर। यह मंदिर राधा रानी के दादी बाबा मंदिर के पास में ही है। यहाँ पर राधा रानी जी अपनी आठों सखियों के साथ विराजमान हैं। बरसाना का पांचवा प्रसिद्ध मंदिर है कीर्ति मंदिर, जहाँ पर असली में राधा रानी जी का जन्म हुआ। यह मंदिर राधा रानी की अष्ट सखी मंदिर के सामने ही ये मंदिर है। बरसाना का छठा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है पीली पोखर। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राधा रानी जी ने अपने हल्दी लगे हाथों को इसी तालाब में धोया था, तब से इस तालाब का रंग पीला पड़ गया, इसीलिए इस जगह को पीली पोखर कहा जाने लगा। इस तालाब में नहाना एक पवित्र माना जाता है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर स्नान ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप किसी भी समय स्नान करने के लिए आ सकते हैं। यह पीली पोखर राधा रानी लाडली जी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंदगांव। अब हम बात करेंगे नंदगांव के 6 प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के बारे में। नंदगांव में सभी धार्मिक स्थान सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और रात को 8-8:30 बजे के लगभग बंद हो जाते हैं, और दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सभी मंदिर बंद रहते हैं। नंदगांव का पहला प्रसिद्ध मंदिर है नंद बाबा मंदिर। ये मंदिर नंद बाबा जी को समर्पित है। यहाँ पर नंद बाबा जी अपने पूरे परिवार बलराम, श्री कृष्ण, माता यशोदा जी के साथ विराजमान हैं। ये मंदिर नंदगांव का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से आपको पूरे नंदगांव का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पूरा नंदगांव देख सकते हैं। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। नंदगांव का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है आशेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर श्री नंद बाबा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी आशा लेकर यहाँ पर आता है, भगवान महादेव उसकी आस जरूर पूरी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान शिव जी को आशेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है दोस्तों। आप कभी भी नंदगांव आएँ तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। यहाँ पर महादेव आपकी आशा, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। बोलो हर हर महादेव। नंदगांव का तीसरा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है टेर कदम। आशेश्वर महादेव मंदिर से टेर कदम की दूरी लगभग 200 मीटर होगी। इस धार्मिक स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए आया करते थे और यहाँ पर लगे कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ का बहुत शांत वातावरण रहता है, यहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा। नंदगांव का चौथा धार्मिक स्थान है पावन सरोवर। यह सरोवर नंद भवन मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस धार्मिक स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को नहलाने के लिए इसी सरोवर पर लाया करती थी, इसलिए दोस्तों ये एक पवित्र सरोवर माना जाता है। यहाँ पर आप कभी भी आएँ तो स्नान ज़रूर करें। आपके सभी शरीर के रोग इस पानी में स्नान करने से दूर हो जाएंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सरोवर बहुत गहरा है, यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक ही नहाएं। और सरोवर पर बनी सीढ़ियों पर फिसलन भी बहुत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से स्नान करें। नंदगांव का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है वृंदा देवी मंदिर। यह मंदिर पावन सरोवर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदा देवी राधा रानी की सखियों में से एक हैं, जो तुलसी महारानी का रूप मानी जाती हैं। यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रतिदिन सुबह मिलने के लिए आते थे। नंदगांव की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप शांति से बैठकर कुछ समय भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। नंदगांव का छठा धार्मिक स्थान है चरण पहाड़ी मंदिर। इस मंदिर की दूरी वृंदा देवी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर होगी। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के असली पैरों और अंगूठों के साक्षात दर्शन करेंगे दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण के असली पैरों और अंगूठे के निशान हैं।
इस चट्टान पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। उस बांसुरी की आवाज़ से यहाँ की चट्टान पिघलने लगे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान यहाँ पर बन गए। अब आ जाते हैं दोस्तों गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन में दोस्तों यहाँ के सभी मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और रात्रि में 9 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों गोवर्धन में छोटे बड़े कईयों मंदिर हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में गोवर्धन के 11 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताऊंगा। गोवर्धन पर्वत का पहला सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दानघाटी मंदिर। यहीं से दोस्तों परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। यहाँ पर आए श्रद्धालु पहले दानघाटी मंदिर में दर्शन करेगा, उसके बाद ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करेगा। गोवर्धन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर। ये मंदिर गोवर्धन की छोटी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। गोवर्धन का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है मानसी गंगा मंदिर। यह मंदिर गोवर्धन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। गोवर्धन का चौथा प्रसिद्ध स्थान है राधा कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड को राधा जी ने अपने कंगन से खोदे थे। यहाँ पर आया श्रद्धालु इस कुंड में स्नान जरूर करता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। गोवर्धन का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है श्याम कुंड। यह कुंड राधा कुंड के साथ में ही बना हुआ है। यह दोनों कुंड आपस में मिले हुए हैं। गोवर्धन का छठा प्रसिद्ध स्थान है उद्धव कुंड। यहाँ पर उद्धव महाराज जी ने तपस्या की थी। गोवर्धन का सातवां प्रसिद्ध मंदिर है हरिदेव मंदिर। यह मंदिर गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। गोवर्धन का आठवां प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी मंदिर। यह मंदिर गोवर्धन पर्वत की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। गोवर्धन का नौवां प्रसिद्ध स्थान है कुसुम सरोवर। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी की चोटी गोई थी। यह सरोवर गोवर्धन की छोटी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। गोवर्धन का दसवां प्रसिद्ध मंदिर है पुंछरी का लोठा। यह मंदिर गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। गोवर्धन का 11वां प्रसिद्ध मंदिर है चकलेश्वर महादेव। ये थे दोस्तों मथुरा के 50 सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही धार्मिक जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।